मम्मी यही सब तमीज सिखाया ना आप लोग भी, आप लोगों ने कोई तमीज ही नहीं सिखाया इनको। कपड़े 3 दिन 4 दिन तक पड़े रहते हैं मम्मी, सड़ते रहते हैं, मतलब संस्कार तो कोई है ही नहीं कि मतलब इज्जत करती हो रोज सुबह हम उठे तो हमारे पैर छुए, पति का सम्मान करें। रो क्यों रही हो यार? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैंक वीडियो। तो आज का प्रैंक गाइस जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ की मम्मी से बहुत ज़्यादा इसकी बुराई करने वाला हूँ, क्योंकि उसको ना खाना बनाना ढंग से आता है ना कोई काम आता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ से बात कर रहा था और फ़ोन तो कट हो गया, उसको किचन में कुछ काम पड़ गया तो वो चली गई वहाँ पे। तो गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आ गया, तो क्यों ना प्रैंक करते, तगड़ी सी बुराई करते हैं इनकी, और इनकी आज वाट लगाने वाला हूँ। आप देखिए क्या क्या करवाता हूँ इससे, मैं नाक तक रगड़वाऊंगा गाइस, पूरे प्रैंक का बदला भी लूँगा मैं, ठीक है इससे। तो गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को, वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक मैं कैमरा वगैरह सेट कर देता हूँ। सो गाइस आप लोग रेडी हो ना वीडियो देखने के लिए? तो गाइस अभी वो बाहर है, तो अभी जस्ट आती है, तो मैं करता हूँ तगड़ा वाला प्रैंक और तगड़े से बुराई। अगर जी जी हाँ, अरे पापा से ये सब मत बताना आप। ऐसा है कि क्या बोलते हैं, ना इसको ढंग से खाना बनाना आता है और ना कोई काम करना आता है। हाँ, अरे बात करने की तमीज तो बिल्कुल भी नहीं है क्या बोला तूने उसके अंदर। अब कल पापा वहाँ बैठे थे और पापा से मतलब कोई बात हुई तो पापा बोले, तो उससे मतलब बराबर बोलने लगी, जवाब देने लगी, तो मैंने इसको पहले शांत कराया। कैसे बात कर रहा है तुम्हें? तेरा मम्मी का फोन है ना, बात कर रहे हैं थोड़ा। हाँ तो ये तेरा बात कहूँ ना, कौन जवाब दे दें तुम्हें पापा का? और मम्मी मतलब काम तो कोई मतलब काम ज़्यादा रहता नहीं, सुबह बस खाना बनाती है, वही झाड़ू लगाओ और खाना बनाओ, और उसके बाद खाना बनाते बनाते करीब दोपहर हो जाती है। हाँ तो अच्छा बताओ मम्मी, तो ये काम ना है खाना बनाओ झाड़ू, खड़ा कर रहे हो? दूर हो तुम, दूर हो जाओ तुम अभी। स्पीकर पकड़ के बात कर रहा हूँ तुम, ना हाँ हाँ बैठ गए। अरे 11 बजे तक खाना बन जाता है, और 11 बजे के बाद मतलब आराम करने लगी, मतलब बिटिया को नहलाने धुलाने लगी, खाना वाना खिलाएगी, उसके बाद वो सुलाएगी, अपना सो जाएंगी, 4 बजे इधर उठेंगी। हाँ तो महारानी की तरह सोना गाना, और कोई काम ही नहीं है। गजब बेइज्जती है इनको। नहीं तो तुम बताओ, हम धूप में बैठ गए जाए? देखो बराबर अभी भी मतलब बता रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं हम मम्मी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। दूर हटो ना तुम। कहा दूर हटे, हमें बुराई काहे कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रहा उनसे तरह तरह बात कर? नहीं हम बात कर रहे हैं ना, अभी शांत रहो ना मौके। हम तो मम्मी से तरह बात करी जाके, अभी हम मम्मी यही सब तमीज सिखाया ना आप लोग भी। हाँ। आप लोगों ने कोई तमीज ही नहीं सिखाया इनको। रुक शर्म नहीं आ रहा, कौन मुँह लेके जाइ हो दोबारा, सारा बता रहे सिखाया यही, मतलब बदतमीजी घर है। मतलब आपसे कोई बात हो रही है तो पहले शांति सुनना चाहिए। हाँ तो हम बुराई काहे कर रहे हो तुम, बराबर जवाब देना, यही यही तो आदत सब अब लोगों ने बिगाड़ा, पता नहीं क्या सिखाया इसको। हाँ, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आदत है, कर लो तुम बुराई, कर लो, देख तुम हमें का कर पाओ तो कर लो। अरे मैनेज करने वाली बात नहीं, मैनेज तो हम करते ही आ रहे हैं। मैनेज कर रहा हूँ तुम हमका, मतलब देखिए कोई कमी नहीं, गलत दबा रही हमारा, वो गलत छुआ नहीं तो वही बता रहे हैं, नाटक ना करो, हमें बुराई ना बदलाओ, बता दिया। शांति से दूर बैठो ना, बैठो दूर बैठो ना शांति से। मम्मी तुम फोन काट दो, तुम इनके चक्कर में ना पड़ो, ये पागल हो गए हैं बिल्कुल। आज हमने कहा था अच्छा खाना बनाओ, तहरी बनाया है बताओ। हाँ तो मम्मी इनसे पूछ के बनाने, जो काम मतलब जल्दी हो जाए बस वही बना लो। अब हमसे पूछ रही तहरी बनाए तो हमने कह दिया बनाओ। हाँ कुकु रुक, हाँ तो कर रहा है ना, हमें तुम फोन काट दो, ये पागल हो गए हैं, फोन काट दो बस। हो गई बदतमीजी वाली बात,
फोन काट दो, तुम काट। नहीं नहीं पापा से मत बताना, पापा से मत बताना, हमने आपसे सारी बात बता रहे हैं हम। तुम्हें शर्म नहीं अरे कौन तेरे जइयो ना का दोबारा कबो तुम्हारी बुराई मतलब कर रहे हैं। हां तो हम बुराई काहे बता रहे तुम, हम ये तरह काम कर ही रहे हैं। हां तो तुम्हारी बातें बता रहे हैं ना काहे जो काम है। अच्छा ठीक है पापा पास मत बताना या मतलब कोई बात हो ना होना, बाकी दिन भर वही ऐसे ही चला लो, गर्मी है तो बस सो जब तक लाइट है, और कोई काम हम इसको नहीं है, कोई भी काम हम नहीं है यार पागल को बताना ऐसे करवा फेंक दे आप बता दीजिए। एक काम को कह दो कोई मतलब नहीं है, कब बस कपड़े तीन दिन चार चार दिन तक पड़े रहते हैं मम्मी, सड़ते रहते हैं मतलब अभी भी जो मैंने शर्ट पहनी है तीन दिन से पहना है। काय झूठ बोल रहे हो, आज से धोई मशीनों नहीं धोई तुम्हारे कपड़ा, मशीन तक रखी है मशीन से धोती नहीं है बस हाथ से धोती है। चल झूठा इसीलिए मतलब तीन चार दिन बाद धो आराम से, मतलब कोई वो होती है कि हाँ चलो दुल दे पति हमारा साफ सुथरा रहे, फकीर बना के रख दिया हमको, मतलब बदतमीजी मम्मी देख लो कॉलर तक पकड़ रही है, संस्कार तो कोई है ही नहीं कि मतलब इज्जत करती हो रोज सुबह हम उठे तो हमारे पैर छुए पति का सम्मान करें। एक हफ्ते से पैर दर्द हो रहे हैं, रोज बोलते दबा दो आज दबा दो, हाँ तो वही तो पहले इनके दर्द होने लगते हैं। चलिए अच्छा सासू माँ रखिए, वैसे भी मूड डिस्टर्ब है हमारा, आप लोगों ने कोई संस्कार नहीं सिखाया ना तमीज सिखाया, तमीज से बोलो तमीज से बता। पति की सेवा करना तो छोड़ो, कोई काम धाम को एक चीन न दिखो, ये बहुत दुष्ट है। ठीक है रखिए आप फोन रखिए और बाद बात करते हैं आपसे भी इनसे। हम बोलो तुम्हारे क्या है, जो बात है वो बताया ठीक। कौन बात बताओ, तुम बताओ पहले पहले हमको बैठे खोपड़ी तोड़ साले, और जो पैर जाओ हमारे बेड से हटो, हट जाओ बस, तुम्हारा बेड वेड नहीं है समझी ना, तुम लेके आ रहे तो हम लेके आए ना, कोई तमीज ना संस्कार कोई। हमारा बुराई कौन करो, हम तो तुम्हारा बुराई तुम्हारे पापा नहीं करते मम्मी नहीं करे, तुम हमारा बुराई हमारी कौन सी बुराई करोगी, काहे इतनी रात तक घूमा करा था तुम कच्चा बनियान कल पड़ा था धोया तुमने नहीं तुम बुला रहे हो ना, तो एहसान कर दो ना ऊपर, पूरा दिन काम करी था फिर पूरा दिन काम, कौन सा काम होता है, सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ, उठो झाड़ू लगाओ अच्छा ठीक, फिर बाबू पॉटी कर देते ठीक, फिर उसके बाद फिर चाय वाय पियो, फिर उसके बाद खाना की तैयारी करो, खाना बनाओ ठीक, खाना बनाओ बनाओ बउआ को देखो साथ साथ, उसके बाद इतना सारा काम करो, फिर बर्तन धुलो गैस साफ करो पूरा किचन उचन सब साफ करो, फिर मिट्टी का नहलाओ धुलाओ, बारह एक बज क्या फिर बिट्टी सो जाती है तो अपना भी सो जाती है, नहीं सो बिट्टी जाग जात बार बार आके जगा दे तो तुम समझो ना, नाटक ना बताओ करो, इतनी मुश्किल में सो तू कतो एक दो घंटा आराम कर एक पाई थे, झूठ वाले का धोखा ले हमसे बात ना करो, तुम बता दी ये शर्ट देखो ये यहाँ गंदी है, ये तुम्हारा है, ये मसाला खाद को हम खाए मसाला हम थूका है, बोलो जुबा केसरी अपन बुराई ना बताएंगे कि हम मसाला खाए थे, हमने छोड़ दिया तीन दिन हो गए ठीक, तीन दिन तो गए हैं, कहा तो रहा है ना तीन दिन पहले जा गए अब इतना, हाँ तो मतलब तीन चार दिन से धुला ही नहीं तुमने, साफ साफ तो बता रहे हो ना तीन दिन हो गए, सुनो सुनो ये देख लो कितनी बार धुल चुकी है यार शर्ट, कहाँ लिखा कितनी बार धुल चुकी है, लिखा कहाँ लिखा कि आज इन कदा गए, कहाँ लिखा कि आज नहीं धुली गए, काम छोड़िए जब कोई काम को बोलो गर्मी है गर्मी है तो ठंडी है, ओढ़ लो लगे रोमांस करने को बोलो तो गर्मी है, लाइट चली गई गर्मी है, गर्मी है तो हम क्या करें, तो हम क्या करें, हम बुराई का और पहले पद की तुम मम्मी से तो बोल कैसे दियो, मैं जइयो ना कहा दोबारा जइयो का, जब कोई बात है तो बताएंगे नहीं क्या, हाँ हम तो तुम्हें बात है पापा नहीं बताएं,
कि तुम रोज मसाला खा तो रात तक घूमो तो हम तो नहीं पता। बताओ तमीज सीख लो। हम तुम तमीज सुनो, हम इज्जत से बात किया करो अपने पति से, समझी ना? इज्जत से बात किया करो पत्नी से, पति से अपने, समझी ना? झूठ का है बोलना है ये क्या बजाने लगे ऐसा ना ही? तो रो क्यों रही हो यार, तो रो क्यों रही हो यार? अच्छा ये बताओ कि उस दिन मुझसे जवाब, हमको जवाब नहीं दिया था? तुम कहाँ जवाब नहीं दे? नहीं जवाब दिया? रात में जब बोलते हैं रोमांस करूँ तो कर क्यों नहीं करती हूँ? बता दे तू, गर्मी है, काम जोर हो गई हो ना तुम, हैं? दुकान में काम है। अब करोगी? सॉरी बोलो, नहीं करेंगे। मम्मी से भी बता देंगे कि हाँ अच्छी हो। पैर दबाओगी आज मेरे? देखो पैर नहीं दबाओगी ना? चलो ठीक है, कल अभी फोन से बात फिर होने तो अभी फिर बताते हैं। अगर तुम दोबारा फोन नंबर डिलीट कर दोगे? नंबर तो ये हमारे फोन में तो याद है ना, पूरे घर के फोन से नंबर डिलीट कर दो। तो पैर नहीं दबाओगी क्या अपने पति? नहीं तुम दबाए नहीं ना पैर तुम्हें? हाँ दबाओगी अभी? हाँ ठीक, पक्का? हाँ प्रॉमिस। हाँ अच्छा किससे दो पहले? ना दबाई किससे दो, अभी माफ कर देंगे हम ना? माफ नहीं, भी बुराई करेंगे अभी बता रहे हैं। आपकी जो जो बात कहेंगे ना कभी सोची नहीं होगी। अगर आपकी नुम्हें बुराई करेंगे अच्छा किससे दो भी बताई करेंगे। लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ इधर। अच्छा मेरे बच्चों अम्मा बुराई का है करो। आज तहरी बनाई है ना? हाँ। तो हमको पसंद है ना तहरी? तो झूठ का है बोल रहे मम्मी से, कोई झूठ का है कि हमका तहरी नहीं अच्छी लग रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, ओह माय गॉड। तो बात ये थी ना यार, बुराई तो तुम्हारी देखो हो गई। रो क्यों रही, मुंह क्यों बना रही हो? ऐसा सुंदर लगती मुंह बना के? क्या वैसे भी पोपट हो गया तुम्हारा? मुझे किससे चाहिए थी वैसे भी मिल गई, ऐसे भी अभी गर्मी लग रही है, याद आ रही। अरे फोन नहीं चल रहा था मम्मी का भाई। हम कैसे पता कि फोन नहीं चल रहा? ये देखो तुम जब गए तो तुम बात करो तो हम नहीं करना। हाँ तो काट दिया था जब तुम गए किचन में, मैंने देखा तुम वो बर्तन धुल रही थी ना, बर्तन धुल रही थी ना, देखा था तुमको। जब बाहर से हम वापस आ गए थे बोतल लेकर, हाँ। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया और प्रैंक कर दिया तुम्हारे साथ। तो तुम कहा हम ना जब जाओ तब ना हमसे प्रैंक चैंक करो। तुमसे ना प्रैंक तो है नहीं ना। कौन सा काम? काम हो गया। अगर हम पूरी टाइम कर दो ना तो छोड़ से तुम काम बता। तो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे। यार कैमरा उठा दो मेरा ना भाई। तो गाइस गुस्सा भी हो गई, मुंह बन गया, फिलहाल मना लूंगा मैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।